Hi guys, welcome to Mahi Garden. So guys, आज मैं guys इतना खुश हूँ ना, इतना खुश हूँ that guys जो मैंने seed जो मैंने मेरी mom ने मुझे help जो करा था seed लगाने में cucumber के, so guys वो अभी grow हो चुका है और उसमें cucumbers आ रहे हैं guys. It's very fun for me guys. See इसमें कितने सारे cucumbers grow होने वाले हैं. And guys, ये तो है बहुत खुशी की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे हमारे कुकुम्बर के प्लांट के बारे में. सो गाइस, जो कुकुम्बर का प्लांट है बहुत अच्छा है. आप उसको सीड में बना सकते हैं, उसके सीड्स आते हैं गाइस. आप सीड को ग्रो करिए, जैसे जो आप मार्केट से जो यू नो कुकुम्बर जो लाते हैं उससे क्या करें, जब आप उसको तोड़ते हैं या जब आप उसको नाइफ से काटते हैं तो क्या होता है, उसमें सीड्स निकलते हैं. तो आप सीड को गाइस ग्रो कर दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है गाइस कुकुम्बर हमारे सेहत के लिए. और गाइस आप कम से कम वन प्लांट इन ईच डे, एक प्लांट तो गाइस है आपके घर में होना चाहिए एकदम. तो गाइस अभी जो है इधर गाइस करेले के पास में भी गाइस जो है बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे कुकुम्बर्स लग रखे हैं. करेले को भी जगह नहीं दे रहे गाइस इन बिग पॉट, जो बिग पॉट है जिसमें करेले धनिया ये सब लगे हैं उनको जगह ही नहीं दे रहा है कुकुम्बर. तो गाइस अब हो गई एक बहुत खुशी की बात, तो अब हम बात करते हैं हमारे कुकुम्बर के प्लांट के बारे में. तो गाइस हमेशा गाइस इसमें जो है मैंने गाइस इसमें बहुत सारे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप अपने टेरेस में ग्रो करते हो तो गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो है हमारा जो जैसे हमारा तो इधर बहुत सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं यू नो इंसेक्ट्स छोटे छोटे, और क्या करना है और नीम का छिड़का लगाइए गाइस. मैंने भी नीम का छिड़का ही लगाया, ठीक है, मैंने भी नीम को ही छिड़काया और इससे गाइस हमारा जो प्लांट है वो बच गया. यू नो गाइस एक बार क्या हुआ था, मेरा इतना बड़ा प्लांट यू नो मेरा इतना बड़ा कुकुम्बर था, लेकिन वो पता नहीं कैसे जब मैंने उसको तोड़ा तो वो पता नहीं कैसे उसमें एकदम कांटे थे, लेकिन मैं जब उसको ध्यान से तोड़ा नाइफ से सो उसमें मुझे दिखा कि वो गल चुका था बिकॉज ऑफ द इंसेक्ट. ओके सो गाइस इसको आपको रिमेम्बर करना है कि हमेशा अगर आप अपने टेरेस में लगा रहे हैं और अगर वो वॉल टच हो रही है तो अगर तो आपको प्लीज़ गाइस उधर अच्छी तरीके से देखिए और आप नीम का छिड़काव करिए. और गाइस आप क्या करिए, इधर देखिए गाइस ये अब है मेरा कनेर का प्लांट गाइस. तो अभी गाइस इसमें भी बहुत सारे एज यू नो विंटर चल रहा है दिल्ली में, सो इधर भी बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं कनेर के बहुत सारे ग्रो हो रहे हैं. तो इधर आप देख सकते हैं जो हमारे प्लांट्स हैं गाइस वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहे हैं. और गाइस हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो भी हो रहे हैं और वो उसमें से भाई गाइस कनेर तो गाइस ऐसा एक प्लांट है जो विंटर में भी बहुत अच्छी तरीके से गाइस ग्रो होता है. तो जस्ट फॉर द डे गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.